भिवानी के गांव चांग के मेगा कैंप में हजारों लोगों ने ली योजनाओं की जानकारी। CGMM जिला विविध सेवा प्राधिकरण के सचिव हिमांशु सिंह ने मेगा कैंप का किया शुभारंभ। DLSA द्वारा आइडियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांग में लगाया गया मेगा कैंप। जिला विविध सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी के मार्गदर्शन में जिला विविध सेवा प्राधिकरण द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में शुक्रवार को गांव चांग के आइडियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मेगा कैंप का आयोजन किया गया। मेगा कैंप में जनता से सीधे रूप से जुड़े विभिन्न 11 विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी एवं सेवाएं प्रदान की। जिला विविध सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं CGM हिमांशु सिंह ने मेगा कैंप का शुभारंभ किया। मेगा कैंप में हजारों लोगों ने योजनाओं की जानकारी ली। हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशानुसार माननीय शासन साहब श्री रमेश चंद्र डिमरी जी के मार्गदर्शन में आज हमने चांग गांव चांग भिवानी में आइडियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक मेगा कैंप का आयोजन किया है। इस कैंप में विभिन्न सरकारी विभाग 15 सरकारी विभागों ने अपनी सेवाएं जो है मौके पर ग्रामीणों को दी हैं और इसमें हमने 50 से अधिक आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं, पेंशन संबंधित मामले सोल्व कराए हैं, लोगों की पेंशन बनवाने में सहयोग किया है और मेडिकल हेल्थ चेकअप और सहकारी बैंकों ने अपनी सुविधाएं मौके पर लोगों को दी है एवं हमने DLSA का कैंप लगा के लोगों को निशुल्क कानूनी परामर्श भी देने का यहाँ कार्य किया है। देखिए लोगों ने अपनी समस्याओं के बारे में हमें बताया है, जिन लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर हो सकता था उनका हमने करवा दिया है, बाकी सबसे हमने लिखित में ले लिया है और हम संबंधित विभागों के साथ उन समस्याओं को टेकअप करेंगे, कोशिश करेंगे उनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो सके। सर लाल डोरे की सर्वे काफी टाइम पहले हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई नहीं है। लाल डोरे का सर्वे करना जो है वो प्रशासन का अधिकार क्षेत्र में आता है, हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे अपने लेवल पर कि वो इस कार्य को जल्द से जल्दी संपन्न कराएँ ताकि गाँव वालों को जो है उनकी समस्या का समाधान हो सके। सर बात करें कल नाम समय आपकी तफसी करवाई गई थी कि लाल डोरे की सभी दृष्टियाँ मौके पर की जाएंगी, इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिनको मकान नहीं पास हुए उनके मकान पास करवाए जाएंगे, लेकिन ग्रामीण घर सुबह से यही शिकायत है, ज़्यादातर यही शिकायत थी लेकिन किसी का काम नहीं हुआ और मौके पर। देखिए हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया था, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको संबंधित विभाग में जाना ही पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का कार्य अपने आप में एक लीगल फॉर्मेलिटी बहुत बड़ी होती है, इसके लिए आपको संबंधित विभाग में जाकर ही वो कार्य पूरा करना पड़ेगा। मौके पे रजिस्ट्री ना तो हो सकती है और ना ही हम प्रशासन से इस बारे में कह सकते हैं कि वो मौके पे रजिस्ट्री कराएं। जो कुछ काम ऐसे होते हैं जो मौके पे हो सकते हैं वो हमने करवा दिए हैं, कोशिश रहेगी कि और भी करवा दें, बट कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो वहाँ प्रशासन के विभागों में जाकर ही करवाने पड़ेंगे, उसमें तो हम मार्गदर्शन कर सकते हैं बस। सर बात करें 100 वर्ग गज के प्लाट थे जो काफी साल हो गए हैं जो कांग्रेस सरकार में दिए गए थे लेकिन उनकी दृष्टियाँ अब तक नहीं हुई है, पूरे ग्रामीण इसको लेकर काफी परेशान है, इसके बारे में। देखिए इस मामले में तो हम उनको एक उचित मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं, ये कार्य जो है प्रशासन का एवं सरकार का है और हम उन तक ये आपकी समस्या पहुँचा देंगे। थैंक यू। आज आए हैं, लीगल कैंप लगा हुआ है चांग में और हमारे विभाग से संबंधित एक तो मनरेगा में मजदूरी के कार्य है, अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी औरत को अगर हमारे डिपार्टमेंट से संबंधित काम करना है और ये एक महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत काम दिया जाता है, 15 दिन के अंदर हमें काम देना पड़ता है, उसके अंतर्गत हम काम प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा हरियाणा सरकार की स्वामित्व स्कीम चली हुई है उसके बारे में हमने गाँव वालों को जानकारी दी है और लाल डोरे संबंधित जो भी उनकी समस्याएं उनको सुना है और मौके पर ही उनका समाधान करने की कोशिश की है। कितनी समस्या आपके मेले में आई और कितना समाधान मौके पर किया गया? लाल डोरे से संबंधित रजिस्ट्री की काफी सारे लोगों ने कहा कि रजिस्ट्री करवाई जाए तो उसके बारे में हमने बताया कि लाल डोरे का नक्शा चंडीगढ़ हेडक्वार्टर से तैयार होकर अभी नहीं आया है, अगर वो जैसे ही वो आ जाता है उसके हिसाब से हम रजिस्ट्री करवाई जाएंगी। इसके अलावा कई व्यक्तियों की ये थी कि रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए तो उनके जो भी दावे आपत्ति थे वो हमने लिए हैं और जैसे ही नक्शा आएगा उसकी कार्रवाई की जाएगी। इसमें मेन ये है कि जो सजरे के हिसाब से नक्शा बनना है लाल डोरे का उसमें टेक्निकल थोड़े फॉल्ट दिक्कत आ रखी है, जैसे ही वो दूर होगी हम चंडीगढ़ से जाके उसको ले आएंगे और कम से कम एक महीना इसमें लग सकता है।